अजीज दोस्तों और साथियों, आज हम हाजिर हैं एक अहम और दिलचस्प मौजू के साथ। यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही है। इस्लामाबाद में वजीर कानून फारूक नसीम और अली मीन गंडपुर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के माबेन एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और उसमें उनके साथ भी और लोग शामिल थे। और उसमें ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उभरी आइनी सूबा जो बनने जा रहा है, उस हवाले से ड्राफ्ट पर फाइनल बात हुई और उसमें इस ड्राफ्ट को वजीर आजम पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा। और ड्राफ्ट के साथ कुछ सजेशंस भी मौजूद हैं, कुछ सजेशंस हैं जिनको भी जेर बहस लाया जाएगा, वो सजेशंस भी उनके सामने पेश की जाएंगी। मैं और आमिर गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है, इसको तारीख की रोशनी में और मुआहदात की रोशनी में आने वाले दिनों में एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे। तारीख में क्या मुआहदे हुए हैं और पार्टीशन से पहले की क्या सूरत हाल थी और पार्टीशन और उसके बाद की सूरत हाल क्या रही है, और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ LFOs और उसके बाद से ऑर्डर्स आए हैं उन पर तफसीली बात करेंगे। तो आमिर, जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई फारूक नसीम अली मीन गंडापुर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के माबेन, और जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल टचेस दी गई हैं और ये ड्राफ्ट जो है वजीर आजम पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा। वंस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद से फिर ये कौमी असेंबली और सेनेट और उसके बाद से प्रेसिडेंशियल एसेंट इस पे आएगा। तो क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान को आपको याद है कि जैसा कि आपने कहा कि उभरी आइनी सूबा बनाने के हवाले से 20 सितंबर 2020 को सूबा आर्मी स्टाफ के जेर निगरानी में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज को बुला के ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को नए हालात के तनाजुर में पूरी आइनी सूबा बनाया जाए और उसके खतोखाल वाज़ह किया जाए। उसके बाद इस पर सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारे डिस्कशन भी हुई, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को पूरी आइनी सूबा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, आइन के रूप से इसके क्या मुजमरात होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल नंबर 1 है, जिसमें टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की बात है, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 51 के अंदर फॉर्मल असेंबली में नुमाइंदगी की बात है, अगर पाकिस्तान को बुरी तौर पर सुबह बनाया जाता तो फॉर्मल असेंबली में उनको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, जो अभी तक नहीं है हमारी कोई नुमाइंदगी। इसी तरह आर्टिकल 59 में सेनेट में नुमाइंदगी की बात है, वहाँ भी उस आर्टिकल को भी उसमें अमेंडमेंट या तरमीम करनी पड़ेगी। आर्टिकल 257 जम्मू कश्मीर की रियासत का जो तनाजा है उसके हवाले से वहाँ पर भी एक क्लॉज आउट करनी पड़ेगी। जब आप ये सारे तरामीम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तो फिर आप तो सूबा बनाने जा रहे हैं, सनट भी नुमाइंदगी देंगे, भी देंगे, पाकिस्तान के टेरिटरी में इसको शामिल करेंगे, तो बिल्कुल आप वही काम। और पाकिस्तान के जो आईनी इदारे हैं, खसूसन इरसा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसके अलावा NFC है, इन सब में नुमाइंदगी होगी। NFC में जी बिल्कुल, जो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें जिस तरह तमाम सूबों की 18 अमेंडमेंट के बाद खासकर जून को तमाम अगर वो आप देना चाह रहे हैं तो वन एंड टू, तो फिर आप इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का जो उसूली मौकफ कहते रहे हैं 74 ईयर से, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर के जो डिस्प्यूट है, पुराना डिस्प्यूट है, उससे गिलगित बल्तिस्तान को जोड़ा गया, उसको अगर आपने जोड़ कर देखना है और आपको तब्दील नहीं आई है तो आप आईन के इन आर्टिकल्स में कोई तब्दील नहीं कर सकते। और आप फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो ये था कि अकवा मुतहदा के जो करारदादे थी जो जनरल 1948 के बाद मामला है वो अकवा मुतहदा में चला गया, तो अकवा मुतहदा के उन करारदादों के मुताबिक इस पूरे मसले का हल तलाश किया जाना चाहिए था। और उसमें बड़ी सिंपल बात है, अकवा मुतहदा की आप करारदादे देखिए तो उसका तो उन्होंने लिखा है कि लोकल अथॉरिटी होगी, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का मामला रेफरेंडम के जरिए हल नहीं होता, लोगों के डिटरमिनेशन से हल नहीं होता, तब तक इन इलाकों को जो जो रियासत के इलाके के 5 इकाइयां उन तमाम को के लोगों को एक लोकल अथॉरिटी के तहत असेंबली बनाई जाएगी और उनके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह के अख्तियार होंगे। अगर आपको वो सेटअप देना तो फिर उसके लिए लंबे ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। जैसे फिर वसीम साहब
मुझे लगता है कि उन्होंने यूएन के रेजोल्यूशंस भी नहीं पढ़े हैं, जिसके अंदर एक आउटलाइन दिया हुआ मौजूद है, उसके लिए ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी से मुशावरत की जरूरत नहीं है, एजुकी साहब ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि अकवा मुतहदा के रेजोल्यूशंस के मुताबिक हम हल ढूंढेंगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी जो काउंसिल है उसके इलेक्शन भी हम तैयार कराने जा रहे हैं, तीसरी तरफ आप अली अमीन गंडापुर को उस मीटिंग में बुला के कहते हैं कि आप जो है इसको लीड करो, यानी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की मिनिस्ट्री को भी आप कायम रखना चाहते हैं, जिसके पास बहुत सारे अख्तियार है, और आपको पता है कि जीपी काउंसिल के पास बहुत सारे अख्तियार है, फिर जीपी असेंबली जो है तभी असेंबली है तो उसको भी आप कायम रखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कन्फ्यूजन यही है कि आप किस तरह के अख्तियार देना चाहते हैं। हालिया दिनों में जो कैंपेन चला रही थी जो सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इंतखाबात हो रहे थे, तो सियासी जमातों का ये कहना था कि हम वफाकी हुकूमत को जो कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, उसको सूबा बनाने नहीं देंगे, अगर वफाकी हुकूमत कोई इस तरह का इकदाम करेगी तो हम उसके राह में रुकावट बन जाएंगे। इसी तरह से फिर इन्हीं तीनों जमातों ने जब ये गिलगित बल्तिस्तान चले गए थे गुज़िश्ता साल जब इंतखाबात हुए, तो कैंपेन का सबसे पहला एजेंडा ही यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सुबह बनाने जा रहे हैं, आईनी सुबह बनाने जा रहे हैं या उबरी आईनी सुबह बनाने जा रहे हैं। तो वो हर सियासी जमात क्रेडिट ले रही थी, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने और दीगर उनके जो सरकार लीडरान थे उन्होंने भी ये क्लेम किया कि पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो उमंगों के मुताबिक जो है उनको हकूक दिलाएगी, इससे पहले भी हकूक दिलाती रही है। फिर इसी तरह से मरियम नवाज ने भी ये क्लेम किया कि सरताज अजीज कमेटी के अंदर बहुत कम्प्रिहेंसिव काम हुआ है, 2009 का जो ऑर्डर था उसको फर्दर अपग्रेड करके कौमी असेंबली में, सेनेट में और जो आईनी इदारे हैं उनमें नुमाइंदगी दी जाएगी। ये एक कंट्रडिक्शन है जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर, ये तीनों जमातें वहाँ एक और मुकाबले में थी जबकि आज़ाद कश्मीर में किसी और मुकाबले में सामने आई। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे जाहिर बात है अगर हम इसको तनाज़े कश्मीर की रोशनी में तय करना चाह रहे हैं, इसको उभरी आईनी सूबा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर जो है आजाद कश्मीर का स्टेटस क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो भी हक बजानिब होंगे, वहाँ की जो सियासी वो भी हक बजानिब होंगे, वो पूछेंगे यार ये आप हमें कुछ दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को कुछ दे रहे हैं, तो एक्चुअली आगे हो क्या रहा है, रियासत पाकिस्तान क्या करने जा रही है, ये सवाल उठा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये जो आपकी सियासी लीडरशिप है, पार्टियां हैं, ये सबसे बड़े कश्मीर में जुलाई के इलेक्शन में जो कैंपेन उन्होंने किया उसके अंदर उन्होंने कैटेगरी के निकाल दिया, हम सुबह सुबह नहीं बना रहे, हम जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान को जोड़ के बोलते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए की। नई सियासी पार्टियां जैसे आपने सुनाया पाकिस्तान जब आई तो उनका बिल्कुल टोन डिफरेंट था, और क्या कहना संदीप का, पीपल्स पार्टी का और फिर पीटीआई का, माशा का पीटीआई तो वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान को क्या सुबह बना के देखिए। बहरहाल ये सियासी पार्टियां इनकी ये मुखलिस ही नहीं, इनमें कमिटमेंट हमें नजर नहीं आई। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान को बिल्कुल आपने सही कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर भी है, हमारा इलाका भी है, अगर आप उनको दो अलग अलग चीज़ें देना चाह रहे हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग तैयार हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1947 से ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें इंटीग्रेशन कराओ, हमें आईनी हकूक दो, हमें शहरियत के हकूक दो, आप 74 ईयर से शहरियत के हकूक मातल हैं, 21st सेंचुरी में आज हम खड़े हैं और आज इस दुनिया में कैसा फटता है जहाँ शहरियत के हकूक बिल्कुल नापेद हैं, तो अगर आप शहरी हकूक देना चाह रहे हैं तो पहला काम ये करें कि जो 1949 में आपने कराची एग्रीमेंट किया था जिसके तहत आपने ये कहा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को डायरेक्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे, हुकूमत पाकिस्तान, और फिर जैसे जम्मू कश्मीर से इसको डीकपल भी किया और ये साथ ये भी बताया कि ये डिस्प्यूट का हिस्सा भी है, यानी इनको हम हुकूक भी नहीं दे रहे हैं, उनको हम अपने FCR के जरिए चलाएंगे, ये डिस्प्यूट का हिस्सा भी रहेंगे, हुकूक भी सॉल्व होंगे। और आज आप कह रहे हैं कि अकवा मुतहदा के जो 74 ईयर्स पहले देना चाहे थे आप दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन कन्फ्यूजन है कि आप वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप साथ लेके जा रहे हैं, वो कराची एग्रीमेंट को क्लास खत्म कर दें, ठीक है आप ये कहें कि रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो मराद रियासत जम्मू कश्मीर के पास है वो आपको दे रहे हैं, और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनाएंगे, आप इंटरनल अभी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आपका चीफ असेंबली को ज्यादा हासिल होंगे, और सेनेट के अंदर अगर आपने उबूरी आईनी सूबा बनाना है तो सेनेट के अंदर आप 24 सीटें तो नहीं देंगे, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस को आपको पता है कि 24 है, आप कह रहे 400 पहले
पहले एक बात आई कि हम 5 सीटें सेनेट में देंगे, 5 नेशनल असेंबली में देंगे, फिर कट होकर आगे 4 देंगे। अभी उसके बाद 104 पेज के ड्राफ्ट आया था जो एक सोर्स के जरिए आया था हमारे पास, उस ड्राफ्ट को भी अभी दोबारा से चेंज कर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चला गया, वहाँ घूमता गर्दिश करता हुआ वापस फरूख वसीम साहब के पास आया, फिर उस पर मुशावरत की, उस पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने एतराज किया, नहीं जी ये कैसे हो सकता है, आप कश्मीर के हालात कैसे देख सकते हैं, अकवाम मुत्तहदा वाले कल एतराज करेंगे, वो कहते हैं हाँ जी हम इसको अकवाम मुत्तहदा के उसूलों के मुताबिक करेंगे। तो फिर आपको उस अकवाम मुत्तहदा के करारदादों के डॉक्यूमेंट को सामने रख के गुजारा पड़े, उसके अंदर तमाम रोड मैप मौजूद है, कुछ ना करें तो मुशावरत करके इसको ला के इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मसला ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है अकवाम मुत्तहदा के उन करारदादों के मुताबिक हल नहीं हुआ, 74 आगे भी 100 साल तक नहीं होता नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये करारदादे नॉन ऑब्लिगेटरी हैं, यानी ये जब तक दोनों रियासतें एग्री ना करें किसी बात पर तो ये करारदादे मीनिंगलेस है। और 1972 में जो आपने शिमला एग्रीमेंट किया, उस शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान और भारत ने एग्री किया कि हम अपने तमाम आउटस्टैंडिंग मसले आपस में गुप्त कश्मीर के बाद हल करेंगे, तो उसके बाद उनके रेजोल्यूशन की औकात वैसे भी खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें वाकई पाकिस्तान और भारत अपने दोनों संजीदा है मसले को हल करने के लिए, एक तरफा करने के लिए, तो फिर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और इनके पाकिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ बैठ के कोई फॉर्मूला तय करना होगा। नई पोलिटिकल रियलिटी यही है, अगर आप उस पूरे पुराने रियासत को रिवाइव नहीं हो सकता, रिस्टोर नहीं हो सकता, तो जो जहाँ है उसको सूबा बनाया जाए, फिर पाकिस्तान को आप सूबा बना लें। और ये फिर आप अमेलगमेट किया है, तो फिर आप जो साइड कर रहे हो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को, तो ये बिल्कुल समझ से बाला है कि इस तरह की सूरत हाल क्यों बन रही है। आमिर सिंगल लाइनर बताएं कि आगे आने वाले दिनों में हो क्या जा रहा है। आने वाले दिनों में जो चीजें हो रही है ना, वो सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन ये है कि एक ड्राफ्ट अभी तक उस ड्राफ्ट पे काम होता रहेगा, ड्राफ्ट आएगा फिर वापस जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ेंगी और होते होते आखिर में ये कहा जाएगा कि चूंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इस पे एतराजात हैं और कश्मीर वाले भी नहीं मान रहे, अकवाम मुत्तहदा की संस्कृति है, तो हम देखेंगे कि अकवाम मुत्तहदा के करारदादों की रोशनी में क्या किया जा सकता है, और वो जो क्या किया जाना है उसके लिए 2-3 साल कम अज कम लगेंगे। तो हमारे कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमत जो है संजीदा नहीं है और पहली हुकूमतें भी संजीदा नहीं थी, लोगों को पाकिस्तान के लोगों को अपने कहीं अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर फोरम पर बोलना पड़ेगा, एडवोकेसी करनी पड़ेगी और अपनी आवाज़ को और अपने हकूक के लिए हर वक्त बात करनी पड़ेगी, ये इसका रिफॉर्म है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही है, और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो लोग वहाँ पर जो चाह रहे हैं कि अवामी उमंगों के मुताबिक मामलात आगे बढ़ेंगे, तो जब सियासी कायदीन या जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो मिनिस्टर साहब हैं जो मुतअल्लिक़ वज़रा हैं जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार करना है, अगर वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करना है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जो रोड मैप था उसको फॉलो करके कर लेते, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब देखना यह कि अगर वो सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो फिर वो पैरिटी का फार्मूला सेनेट में आना चाहिए। पैरिटी ये है कि आपका यूनिट कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, आपने बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी देनी है। फिर कौमी असम्बली में भी जो गिलगित बल्तिस्तान की आबादी है उसको सामने रखते हुए आप नशस्तें देंगे, कम से कम अगर आप भी फिर उसमें पैरिटी का फार्मूला लेकर आए, अगर सेनेट में नुमाइंदगी देना चाह रहे हो, भले ही उबूरी आईनी सूबा है, भले ही आप सनसेट क्लास के तहत लेकर आ रहे हो, बाद में अगर प्लेबिसाइट हो जाता है, रायशुमारी हो जाती है, फिर उस वक्त देखा जाएगा। अजीज दोस्तों, हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पे सीरीज ऑफ हम डिस्कशन रखेंगे, जिससे एक फ्लैश बैक हमें मिलेगा कि तारीख में क्या हुआ है, क्या मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले क्या था, जब वजूद में आया तो फिर स्टेटस क्या रहा है, उसके बाद से फिर FCR, प्रिया के बाद दीगरे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर LFOs आते रहे, फिर ऑर्डर्स आते रहे, अब इस सब पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में। यकीनन दिलचस्प गुफ्तगू होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी शेयर आप दोस्तों से करेंगे, ताकि फिर एक तरह से अजबर हो जाए कि गिलगित बल्तिस्तान का असर मुद्दा क्या है, कश्मीर का मुद्दा क्या है,
तो ये सब हकायक आप दोस्तों के सामने रखेंगे।